हाय आदिति, वेलकम टू सिने स्पीक्स। मेरा नाम है ऐश्वर्या। थैंक यू। हाउ आर यू ऐश्वर्या? आई एम गुड। हाउ आर यू आफ्टर विनिंग? आई एम गुड। व्हाट आर यू फीलिंग? इट्स लाइक यू नो फायर एंड ब्लास्ट लाइक या फीलिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वुड यू डू आफ्टर यू नो you came out, you are a winner, how, what was your reaction and what did you want to do first? I was like, I'm so happy that time, and I just called my mom. It's like, yay, I win the show. Amazing. Then my mom like, Mubarak ho. Mm-hmm. I was like, itna thanda reaction, to unko abhi tak bhi yakin nahi hai that I win the show. Abhi wo dekhengi. तो उसके बाद उनको यकीन होगा। उस टाइम तो नेक्स्ट डे शी कॉल्ड मी एंड शी आस्क्ड मी लाइक कौन जीता। लाइक मम्मी आपकी बेटी जीती है। तो मम्मी ने हाँ हाँ मजाक कर ले, वो तो शो देखने के बाद पता चलेगा। जी सो हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस ऑल थ्रू आउट यू नो द जर्नी ऑफ स्प्लिट्स विद अस? एक्चुअली मैं बहुत टाइम से ये शो के लिए ट्राई कर रही थी एंड सडनली आई सिलेक्टेड एंड आई गॉट विन। ये दिस जर्नी एक्चुअली जैसे हम लोग देखते हैं ना टीवी पे और हम इमेजिन करते कि अगर मैं वैसी होती तो ऐसा होता या वैसा होता, दिस इज टोटली डिफरेंट। आप उस मोमेंट में क्या, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपको मौका भी नहीं मिलता है सोचने के लिए और बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है सडनली, तो इट्स डिफिकल्ट। या एंड बाकी के झगड़े और दोस्ती को बचाना चैलेंजेस, तो या सडनली ऐसे 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 करके कुछ चीजें पलट जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है, तो बहुत सोच समझ के चीजें करनी पड़ती है। जी एब्सोल्युटली। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक व्हाट वर द चैलेंजेस यू फेस्ड एंड यू नो हाउ डिड यू डील विद इट, हाउ डिफिकल्ट वाज इट? चैलेंजेस इट्स इफ अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मुझे बहुत मजा आया और मैं काफी जीती भी हूँ। इट्स थोड़े बहुत जो मैंने थोड़े बहुत भी क्या इतना तो मेरे को परफॉर्म करने लोगों ने मेजोरिटी में दिया नहीं पहले, बाद में शायद मैं सिर्फ एक चैलेंज हारी हूँ, वो भी हवा की वजह से, तो क्योंकि हवा सही से चल नहीं रहा था और मैं जस्ट रंग भी नहीं फेंक पा रही थी। अदरवाइज चैलेंजेस एक्चुअल बोलो तो उन लोगों के साथ रहना जिन लोगों का पसंद नहीं करते हो, उनसे बात करना, उनके साथ चैलेंज करना, दिस इज अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू कि जिनको आप पसंद नहीं करते हो एवरी डे आपको उनकी शक्ल देखनी है हर टाइम, उन्हीं के साथ में बैठ के खाना खाना है, तो इट्स लिटिल लिटिल नो नॉट लिटिल इट्स एक्चुअली So, आपके आपके हिसाब से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर लगे आपको, यू नो, इन द हाउस वेयर यू द पीपल वर, सो वेयर डिड यू फील दैट यू नो दिस पर्सन? मेरे बाद? यस एब्सोल्युटली मेरे बाद। या इट्स कैट, शी इज स्ट्रॉन्ग, शी इज स्मार्ट, सो कैट क्रिस्टन, शी इज स्ट्रॉन्ग। या ओके ओके अमेजिंग। एंड यू नो हाउ वाज योर दिस थिंग? So when you came in here, you faced certain things, okay? So why did you feel ever ki, you know, ki main is position tak aa paungi, I would be the winner, jab se aap aaye the, ya fir, you know, there were ups and downs. How was, you know, the feelings you were having in those? There is a lot of ups and downs. And actually, winning ka to maine aur Jay ne socha hi nahi tha. Every day, we were like, ये डोम निकाल ले, जैसे तैसे भी हम एक्चुअली डंप हो गए थे, निखिल ने बचा लिया। तो एवरी डे वी आर लाइक, जब तक हम आइडियल मैच नहीं बने थे तब तक हम सिर्फ यही सोचे थे कि बस ये डोम निकल जाए। तो उस टाइम हम ये सोचे कि अरे चार पांच डोम निकाल लेंगे, बहुत है हमारे लिए, विल गो होम हैप्पी। तो ऐसा था, मैंने के लिए नहीं सोचा था, बट जब हम आइडियल मैच बन गए तो दैट टाइम आई थिंकिंग लाइक कि अब तो कोई नहीं निकाल सकता है, अब तो जीत के ही जाना है। सो या देयर वाज अमेजिंग फीलिंग। ग्रेट ग्रेट। सो यू हैव बीन, आई डोंट नो इफ यू हैव बीन फॉलोइंग खतरों के खिलाड़ी, हैव यू सीन खतरों के खिलाड़ी? सो अगर सपोज आपको खतरों के खिलाड़ी में नेक्स्ट जाने का चांस मिला, वुड यू बी इंटरेस्टेड? या okay that's actually amazing. I am interested, maza aata hai dekhkar. Okay, yeah. And are there any new projects you have you know coming up where we will be able to see? Abhi I'm just doing some Punjabi music videos,
एंड अभी फिलहाल मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ रोडीज के लिए, बिकॉज आई लव रियलिटी शोज एंड मैं चाहती हूँ कि थोड़ा और स्ट्रांग होके मैं निकलूँ. तो अब देखो रोडीज में ऑडिशन पे अगर वो लोग मुझे सिलेक्ट करते हैं तो मैं आई एम सो हैप्पी अगर मैं रोडीज कर पाती हूँ. सो अभी तो फिलहाल मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ. Okay, okay. That's amazing. Great. And do you have any message for your fans, for the people around, audience? Just thank you so much for all the love and support. जितना भी आप लोग मुझे support कर रहे हैं, जय को support कर रहे हैं, हमारे connection को support कर रहे हैं, आपको पसंद आ रही है हमारी जोड़ी, thank you so much for it. And जो भी लोग हम लोगों को उल्टा सीधा बोलते हैं मेरे comment section पे, और मेरे fans या जो भी लोग मुझे पसंद करते हैं वो लोग फाइट करते हैं उस चीज के लिए, थैंक यू सो मच. कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस, एंड आई होप कि मैं और रियलिटी शोज में आपको एंटरटेन करती रहूं, शायद बहुत बहुत डिफरेंट रूप देखने को मिले आपको मेरे और ज्यादा. सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू एंड आई लव यू. Wow, amazing. Thank you so much. It was wonderful Thank having you. You here and all the best. For Thank you so much. Thank you. Thank you. Nice meeting you. Same here. Bye.